बहुत ही कम मेहनत में फटाफट बनने वाला आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे खस्ता कुरकुरे चटपटे ट्विस्ट नमक पारे। इतना आसान तरीका बताया है कि कोई त्यौहार हो या शाम की चाय हो या सालों भर आप कभी भी बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा, ग्राम्स में देखे तो 150 ग्राम, और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। तो थोड़ी सी सूजी डाल देने से खस्ता के साथ कुरकुरे बनेंगे क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं। और अब थोड़ा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, तो नमक हल्का ही डालें। 1/4 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डालें, 1/4 टीस्पून कलौंजी, साथ ही में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। आप चाहे तो काली मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप घी भी ले सकते हैं या फिर वनस्पति घी यानी डालडा भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल का इस्तेमाल ना करें। और अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं और इस तरीके से मैश कर लेते हैं। तो जब आप हाथों में ले और मुट्ठी बांधे तो देखिए हल्का सा बंध रहा है, यानी मोयम जो हमने डाला है वो परफेक्ट है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम सख्त डो तैयार करेंगे, तो पानी धीरे धीरे ही डालिएगा और इस तरीके से मैश करते हुए मिलाएं ताकि डो गीला ना हो। तो इस तरीके से समेटते हुए डो को लगाएं और वापस से 1 चम्मच पानी डालें। तो दोस्तों आप चाहें तो गेहूं के आटे के बदले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैदा ले रहे हैं तो पानी और आपको 1-2 चम्मच कम लगेगा। और अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस के बारीक कर लीजिएगा। तो इस डो को बनाने में मैंने 7 चम्मच यानी आधा कप से 1 चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया है। और अभी आपको ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से समेट लें और ढकते हुए हम 10 मिनट के रेस्ट देंगे ताकि आटा सूजी फूल जाए। तो करीब 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डो फूल गए हैं। तो बस हमें एक बार दोबारा से कुछ सेकेंड के लिए मैश कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपका डो गीला हो जाए तो 1 चम्मच ऊपर से आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो सूजी के दाने बहुत अच्छे से फूल गए हैं लेकिन आटा में ठीक से घुले नहीं है, इसलिए इस तरीके से एक बार मैश कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक बार हाथों में लेके दिखाती हूँ, देखिए कितना सख्त डो है और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। तो डो को चिकना करने के बाद इस तरीके से हम लंबाई में कर लेंगे और 4 भागों में बांट लेंगे। और अब हाथों से चिकना कर लेंगे। तो लोइयों को चिकना करते हुए पेड़े बना लिया है। और अब एक बॉल लीजिए, हाथों से दापते हुए हम रोटी की तरह बेल लेते हैं। तो इस टाइम आपको ना आटा लगाने की ज़रूरत है और ना ही ऑयल लगाने की, बहुत ही आसानी से बिना चिपके बेला जाएंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं 1 कप आटे से आपको बनाना बता रही हूँ, आप 2 कप का भी बना सकते हैं। तो बहुत पतली रोटी हमें नहीं बेलनी है, थोड़ा सा हम मोटा ही रखेंगे। देखिए इसी तरीके से हम चारों रोटी को बेल लेते हैं। तो हमने मोटी सी चारों रोटी बेल ली है और देखिए बिल्कुल भी एक दूसरे में नहीं चिपक रही है। और अब किचन बोर्ड पे एक रोटी रखिए और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो बहुत ही थोड़ा सा लगाना है और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जमा हुआ घी हो। तो मैंने चम्मच पे 1/4 चम्मच घी लिया है और बस इतने से ही घी में हमारा काम हो जाएगा। और अब इसके ऊपर हम सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। तो दोस्तों आटा भारी होता है इसलिए मैदे का ही इस टाइम इस्तेमाल कीजिएगा। और अब दूसरी रोटी रख दीजिए और वापस से हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही थोड़ा सा घी लगता है और साटा बनाने की यानी कि लेयर बनाने के लिए जो हम गम बनाते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो दोबारा मैदा छिड़ते हुए हम अब तीसरी रोटी रखते हैं और थोड़ा सा दोबारा लगा देते हैं। तो तीनों रोटी पे लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर एक और रोटी रखते हैं। और अब आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से दाप ले और दाप करके हम हल्के हाथों से बेल के पतला करेंगे। तो अभी इसकी मोटाई 1 इंच जितनी है और अब हम बेलते हुए 1/2 इंच जितनी कर देते हैं। तो बहुत ही कम मेहनत में फटाफट चाय वाला टेस्टी नाश्ता बन जाता है। तो देखिए फैलाते हुए छोटी रोटी को बड़ी रोटी कर दी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मोटाई भी कम हो गई है। और अब हम 1/2 इंच जितना दूरी पर इस तरीके से काट लेते हैं। तो मैं आपको उंगली रख के दिखाती हूँ, देखिए तो बहुत पतला आपको नहीं काटना है और ना ही बहुत मोटा काटना है। तो आप पिज्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, खिंचाव ना हो इसलिए चाकू को उठाते हुए काटें।
काटने के बाद ये जो किनारे का भाग है इसे हटा लें, क्योंकि किनारे का भाग छोटा छोटा है और अब हम बोर्ड को घुमाते हुए बीचों बीच काट लेंगे। और अब मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी से बाहर हो गए हैं। और अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ पकड़ते हुए हम इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, देखिए। तो बस ऐसे घुमाते हुए हम दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे। और अब मैं आपको फटाफट बना के दिखाती हूँ, देखिए बस दो तीन बार आपको ऐसे घुमा लेना है और लास्ट का भाग को ऐसे दाब लेना। तो मुश्किल से एक मिनट का आपको टाइम लगने वाला है। तो थोड़ा डिजाइन बना के नमक पारे मठरी बनाइएगा, मेहमानों को भी पसंद आएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और त्योहारों में बहुत काम रहता है तो हम यही सोचते हैं कि कम मेहनत में झटपट हम नाश्ता बना लें। धीमी आंच पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो लीजिए हमने सभी को ट्विस्ट कर लिया है और ये जो किनारे का भाग है इसे भी हम घुमा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका रोल खुल जाए और आप ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं वापस से घुमा सकते हैं। बिना देर किए हम फ्राई कर लेते हैं। तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल मध्यम गर्म हो चुके हैं, फ्लेम को हम कम कर देते हैं और अब हम एक एक करके मठरी को डालते हैं। तो ये ट्विस्ट मठरी एक महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, आप सफर में ले जा सकते हैं या बच्चों को हॉस्टल भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही कम समय लगता है और बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं, तो बहुत ही जल्दी सेट हो जाते हैं। तो थोड़ा हम चम्मच से किनारे कर देते हैं ताकि एक ही बार हम सारी मठरी को फ्राई कर सके। तो बहुत ज़्यादा हम सटा सटा के नहीं डालेंगे क्योंकि जैसे जैसे फ्राई होंगे थोड़े से फूलेंगे भी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम रखा है क्योंकि आटे से हम बना रहे हैं, तो धीमी आंच पे हम 3 मिनट तक फ्राई होने देते हैं, उसके बाद पलटी करेंगे। तो करीब 3 मिनट हो चुका है, अच्छे से सेट भी हो गए हैं और अब हम पलटी कर लेते हैं ताकि चारों तरफ से प्यारा सा कलर आए। तो जब हल्के से फ्राई हो तभी पलटी कीजिएगा। तो आटे से बना रहे हैं तो कलर भी बढ़िया आएगा और क्रिस्पी होंगे। तो देखिए हमने उलट लिया है, उलटने के बाद वापस से धीमी आंच पे 3 मिनट के लिए फ्राई होने दे। तो करीब 3 मिनट हो चुका है, वापस से अल्टी पलटी कर लेते हैं। तो टोटल आपको फ्राई करने में 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, इसी तरीके से फ्राई होने दे। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, टोटल आपको 10 मिनट का टाइम लग जाएगा और कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। और जब आप पलटी पलटी करें ना तो देखिए खनकने की भी आवाज आ रही है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। तो मैं आपको ट्विस्ट मठरे दिखाती हूँ और देख सकते हैं चारों तरफ से कितना बढ़िया बना है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से और फ्राई करेंगे। तो दोस्तों आप भी पैन में फ्राई करें, आसानी हो जाएगा। तो सेकंड बैच का फ्राई हो रहा है लेकिन मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि आप इसी तरीके से ठंडे हो जाने के बाद स्टोर कर सकते हैं। या फिर चटपटा बनाना है तो इस टाइम आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक डाल सकते हैं। या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैगी मसाले का इस्तेमाल कीजिए, आधा छोटी चम्मच। तो इस तरीके से थोड़ा सा मसाला डाल दीजिएगा तो बच्चे बाजार के पैकेट फूड फूल जाएंगे। तो जब गरम गरम हो तभी मिलाए। तो ठंडे हो जाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्राई की भी क्यों ना हो, घर की बनी हुई चीज़ बाजार से कई गुना हेल्दी होती है। तो आप इस तरीके से मेहमानों के लिए, छोटी मोटी भूख में, बच्चों के लिए, त्योहारों में बनाइए और गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय करें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद कितना बढ़िया दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से पके हुए। तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही खस्ता है देखिए। तो आप ही एक बार ज़रूर बनाएं, कैसा बना बताइएगा।